प्रसिद्ध यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर चर्चा में आ गए। चर्चा में आने का कारण लोकसभा चुनाव है। मनीष कश्यप जब से जेल से छूट कर आए हैं तब से यही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे। इस खबर पर अब मनीष कश्यप ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर के भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। मनीष कश्यप को लेकर जो चर्चा चल रही थी अब वो थम सी गई है। चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इसके बारे में उन्होंने साफ साफ तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बिहार के विकास की बात करेंगे और तेजस्वी यादव को गले लगाने के लिए भी तैयार है। चुनाव लड़ने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, वो किसी भी गठबंधन के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्हें चुनाव की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता और सभी समस्याओं से अवगत हैं। तैयारी करने की जरूरत उन्हें पड़ती है जिनके पास जानकारी नहीं होती है। वो बिहार के बेटे हैं, उन्हें सिर्फ आशीर्वाद की जरूरत है। मनीष कश्यप ने आगे कहा, बिहार के लोगों को अंदर और बाहर के लोगों ने जमकर ठगा और नेताओं ने पूरी तरह से बिहार को बर्बाद कर दिया। अब बिहार की बर्बादी की कहानी काले अक्षरों में प्रिंट होकर नहीं आएगी, सिर्फ बिहार की खुशहाली की कहानी आएगी। हम कमर कस चुके हैं, ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बिहार के लिए सदन में जाकर आवाज भी उठाएंगे। हम बिहारी हैं और हर चीज संघर्ष के जरिए ही हासिल करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 20 सालों तक दशरथ मांझी ने भी पहाड़ को खोदते गए, तब जाकर वो रास्ता बना। यूट्यूबर ने कहा कि ये 2024 का चुनाव है, जिन लोगों ने उम्मीद लगाई थी उन्होंने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब लोगों को नई उम्मीद जागी है कि अगर मनीष कश्यप जैसे यूथ आगे आएगा तो कुछ बिहार का भला होगा। पिछले 75 सालों से बिहार के लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगा जा रहा है। पत्रकारों को चुनाव के मैदान पर उतरना चाहिए, क्योंकि बिहार के बारे में पत्रकारों से ज़्यादा कोई भी नेता नहीं जानता। ब्लॉक हो, कलेक्ट्रेट, कचहरी, जिला शिक्षा पद के अधिकारी के कार्यालय में क्या होता है सबको पता है। मनरेगा हो, अस्पताल, PWD के घोटाले भी पत्रकारों से छुपे नहीं है। जाति समीकरण को तोड़ने पर मनीष कश्यप ने कहा कि उनके पास मजदूर समीकरण है, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो 40 लाख लोगों को रोजगार देने का रोड मैप तैयार करेंगे। अगर मुझ पर भरोसा है तो मुझे चुनिए, नहीं तो इन्हीं नेताओं को चुनिए। मनीष कश्यप ने आगे कहा कि दलाल छात्रों को फोन कर पास करने के लिए उनसे रुपए मांग रहे हैं। इन मुद्दों और मजदूरों का साथ लेकर मनीष कश्यप इस बार चुनाव लड़ेगा। जिनके पास जात का वोट है उनसे कह देना चाहता हूं, आप जात की बदौलत टिकट मांग सकते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क अब नहीं पड़ने वाला है। बता दें कि पिछले साल तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई को लेकर के खबर फैलाने के आरोप में उनको जेल जाना पड़ा था और उस समय मौजूदा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की सरकार गिराने की बात इन्होंने की थी, जिसके बाद से वो काफ़ी चर्चा में बन गए थे। हालांकि चर्चा ये है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनकी बीजेपी से नज़दीकियां काफ़ी देखी गई हैं। जब ये जेल से छूट करके आए थे तो मनोज तिवारी से इनकी मुलाकात हुई थी। मनोज तिवारी फिर उसके बाद बिहार इनके घर गए थे, इनके घर साथ में खाना खाया था और अपना भाई बोलते हैं छोटा। अब देखना होगा कि मनीष कश्यप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कौन सी पार्टी इनको टिकट देगी। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ ही समय शेष बचे हैं। ऐसे में मनीष कश्यप को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या मनीष कश्यप इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो हाँ, मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये खुद मनीष कश्यप ने अब साफ कर दिया है। बस ये बात अब साफ होना है कि किस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।